आखिर क्यों अब रोमन रेंस लड़ना चाहते हैं सीएम पंक से, जान गया आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है। और वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों आग्रह है आपसे कि इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत ही दोस्तों हम करने वाले हैं रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो इस बारी की रॉ दोस्तों काफी बढ़िया रही, जहां दोस्तों मंडे नाइट रॉ में हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखी, जैसे कि दोस्तों मेन इवेंट तो सरप्राइजिंग था ही, साथ ही साथ बहुत सी बढ़िया चीजें हुई जिन्होंने हमारा मन मोहा, और इसका प्रभाव दोस्तों रेटिंग्स पर साफ पड़ा है। तो जहां दोस्तों लास्ट वीक व्यूअरशिप मापी गई थी 1.67 मिलियन, इस हफ्ते दोस्तों ये 8.5% बढ़कर हो चुकी है 1.82 मिलियन। दैट मींस दोस्तों डब्ल्यू वालों को काफी बड़ा फायदा हुआ है, और इसका दोस्तों जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विंस मैकमैन ही है। तो विंस मैकमैन कभी कभार दोस्तों काफी घटिया हरकतें कर देते हैं, जैसे कि कभी कभार वो रैंडी ऑर्टन को लूजर दिखा देते हैं, तो कभी कभार कुछ ऐसा कि मानो उसे कोई हरा ही ना पाए। तो यहां दोस्तों विंस मैकमैन को सैल्यूट है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई, इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है साशा बैंक्स वर्सेस बेली से। तो गाइस, काफी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो आप जानते हैं साशा बैंक्स और बेली की फाइट चालू हो चुकी है, इनकी राइवलरी दोस्तों बिगिन हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हेल इन अ सेल में इनकी फाइट होगी। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें कौन सी नई चीज है, वो तो ऑब्वियस सी थिंग है कि इनकी फाइट होगी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसे मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बनाया जाने वाला है हेल इन अ सेल का, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो यही कहना है दोस्तों रेसलवुड्स का, रेसलवुड्स की माने। तो गाइस, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बातचीत यही लगी हुई कि साशा बैंक्स वर्सेस बेली को मेन इवेंट बनाया जाए हेल इन अ सेल का। हेल इन अ सेल दोस्तों 25 तारीख को होगा, 25 अक्टूबर को होगा। ऐसे में महिलाएं दोस्तों अगर मेन इवेंट करती है तो मेरे हिसाब से दोस्तों कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि इनकी राइवलरी को भुनने में काफी लंबा समय लगा है और इनके बीच बैड ब्लड भी काफी तगड़े वाला है। तो क्या आप इसे मेन इवेंट में बनता हुआ देखना चाहेंगे कि नहीं, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हम चलते हैं इसे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है डोमिनिक मास्टेरियो और चेल्सी ग्रीन से। तो जहां दोस्तों कल डोमिनिक ने अपनी बहन से थप्पड़ खाया, यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि डोमिनिक मास्टेरियो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रॉपर्टी है। तो पूरे के पूरे डोमिनिक नहीं दोस्तों, दरअसल डोमिनिक मास्टेरियो का नाम डब्ल्यू वालों ने आज ट्रेडमार्क करा दिया अलोंग विद चेल्सी ग्रीन। चेल्सी ग्रीन दोस्तों एनएक्सटी की सुपरस्टार है, और अभी तक दोस्तों हमें उनकी तरफ से कोई भी दर्शन होते हुए मेन रोस्टर में नहीं दिखाई दिए। हालांकि ये चीज भी हो सकती है कि मिस्ट्री वुमन हो जो कि स्मैकडाउन में दिखाई दे रही हो, क्या पता चेल्सी ग्रीन ही हो, लेकिन जो भी है यहाँ दोस्तों चेल्सी ग्रीन और जो डोमिनिक मास्टेरियो, ये दोनों नाम अब WWE की प्रॉपर्टी होंगे। WWE वालों ने इन्हें ट्रेडमार्क करा लिया। तो छोटी सी अपडेट थी, हम चलते हैं बड़ी वाली अपडेट के ऊपर। तो गाइस, वो हमारी जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर 2.0 से। तो आप जानते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर जैसा कोई भी बंदा इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है। ब्रॉक लेसनर दोस्तों एक दानव है, और ब्रॉक लेसनर इकलौते ऐसे रेसलर है जो कि WWE से बाहर जाकर भी किसी भी रेसलर को, किसी भी व्यक्ति को हर एक चीज में हरा सकते हैं। और ब्रॉक दोस्तों सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, लेकिन सवाल पूछा जाए कि आखिर कौन है ब्रॉक लेसनर 2.0, तो लेंस आर्चर है 2.0। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, लेंस आर्चर स्वयं ऐसा कह रहे हैं। तो लेंस आर्चर जो कि काफी ज्यादा बड़ बोले हैं और AEW के एक मॉन्स्टर रेसलर है, उन्होंने दोस्तों हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान ये चीज कह दी कि वो ब्रॉक लेसनर के लेवल के हैं। तो खुद को उन्होंने कंपेयर किया अंडरटेकर और ब्रॉक के साथ। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कोडी से TNT टाइटल वाला मैच हार गए, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन आया, इस पर दोस्तों जो आपके लेंस आर्चर है वो ये चीज बोलते हैं, देखो हार हर किसी के जीवन में लिखी हुई है, अंडरटेकर भी हारा है लेकिन वो काफी बड़े रेसलर से हारा है। वहीं ब्रॉक की बात की जाए तो ब्रॉक लेसनर जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी किसी ना किसी से हारा, और सेम चीज़ मेरे साथ भी है, मैं भी किसी बड़े रेसलर से ही हारा हूँ। और अगर आप बड़े रेसलर से हारते हैं किसी से, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रह जाता, और हार जीत जीवन का हिस्सा है।
तो दोस्तों इनडायरेक्टली वो खुद को कंपेयर कर दिए हैं ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के साथ। हालांकि देखा जाए तो लैंस आर्चर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे तो वो एक जॉबर थे, लेकिन गाइस जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर गए तब से उन्होंने तबाही मचवानी स्टार्ट कर दी है। अब आपको क्या वाकई में लैंस आर्चर ब्रॉक जैसे दिखते हैं या फिर आप उन्हें ब्रॉक लेसनर की कैटेगरी में रखेंगे कि नहीं, ये जरूर बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी सेकी लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेकी लास्ट न्यूज पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज है, नाम है वन एक्स बैट एक तरीके की बेटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेल के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं। चूंकि आईपीएल चालू हो चुका है और गाइस रोज नए नए मैचेस खेले जा रहे हैं तो काफी सही समय है। लिंक दोस्तों मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है विद द कोड हिंदी गॉसिप जिसके तहत आपको 100 USD भी मिलेंगे। तो अभी के अभी चाहिए लाभ उठाइए। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हैकर वाली स्टोरी लाइन से। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि हैकर का क्या हुआ, स्मैडा उनके हैकर का क्या हुआ, कहां वो गया। तो ऑब्वियसली दोस्तों मुस्तफ़ा अली थे, मुस्तफ़ा अली को ही बताया जा रहा था कि वही स्मैडा उनके हैकर है और वही हमें ग्लिचेस दिखाते हैं और त्रुटि सामने लाने की बात करते हैं। बताया जा रहा दोस्तों अब ये स्टोरी लाइन हो चुकी है ख़त्म, इसे डब्ल्यू वालों ने कैंसल्ड कर दिया है, इट्स बीन रिटन ऑफ। दैट मीन्स दोस्तों अब हमें कोई भी हैकर शैकर देखने को नहीं मिलने वाला है। आप जानते हैं दोस्तों मुस्तफ़ा अली को बताया जा रहा था कि वो एज ए हैकर हमें रिवील्ड होते हुए नजर आएंगे और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन उन्हें मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट किया जाता है और उसके बाद से ही दोस्तों हमें हैकर के दर्शन या फिर कह लीजिए ग्लिचेस वाली वीडियोस दिखनी बंद हो जाती है। यहाँ दोस्तों बताना ये चाहूँगा कि डब्ल्यू वालों ने काफ़ी गलत चीज़ की है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बातें चल रही थी, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से, जो कि लड़ना चाहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। गाइस रोमन रेंस ने हाल ही में सीएलएम पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कही है। जैसे कि दोस्तों वहां रोमन रेंस का कहना ये रहा कि वो पॉल हेमन गाय नहीं है, वो ये चीज बोले कि वो रोमन रेंस गाय थे और रोमन रेंस गाय ही रहने वाले हैं। हालांकि उन्हें पॉल हेमन का नया साथ मिला है जो कि काफी बढ़िया भी है, लेकिन वो पहले से रोमन रेंस गाय थे और रोमन रेंस गाय ही रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो बड़ी चीज उन्होंने कही वो ये कही कि वो सीएम पंक से फाइट के लिए रेडी है। तो क्या चीज बोले हैं सीएम पंक के लिए, सीएम पंक के लिए ये चीज बोले कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे सीएम पंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देखो कोई भी माया नहीं है, कोई भी मोह नहीं है उसके साथ। लेकिन अगर उसकी वीडियो उठाकर देखो आज से कुछ समय पहले की, 10-15 साल पहले की, तो आपको पता चलेगा वो कितना ज्यादा पैशनेट था। और अगर इस वक्त वो वापसी करना चाहे और अगर बिजनेस सही हो तो हाँ मैं उससे फाइट जरूर करना चाहूंगा। यहाँ दोस्तों उन्होंने सीएम पंक की तारीफ की है, वो ये चीज बोले हैं कि सीएम पंक में एक अलग ही ऊर्जा थी, वो एक अलग ही ऑरा के सुपरस्टार थे और उसने मेरे लिए भी काफी कठिन समय बना दिया था जब मैं बेबी फेस में कन्वर्ट हो रहा था, जब मैं बेबी फेस बन रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो मेरे लिए एक बड़ा लेवल सेट उसने कर दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस तैयार है सीएम पंक के लिए और सीएम पंक के साथ वो फाइट करने के लिए तैयार है अगर दोस्तों सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहे तो। तो दोस्तों अगर सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस हो जाता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, एक बारी फर्ज कीजिए तो आपको क्या लगता है कौन इन दोनों में से जीतेगा, कमेंट करके उसका नाम मुझे जरूर बताएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू ऑल मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।